शहर में कोरोना वायरस के मजीद 3 कन्फर्म केस सामने आ गए, मजमू तादाद 4 हो गई। एक मरीज न्यू अस्पताल में जेर इलाज, चारों मरीज DHA के रिहायशी हैं। सुबह भर में कन्फर्म मरीजों की तादाद 26 हो गई, मुशतबा अफराद की तादाद 42 है। उधर वजीर आला ने मौसी असरात का जायजा लेने के लिए खसूसी कमेटी कायम कर दी। मास्क, हिफाजती किट्स और सैनिटाइजर्स की मकामी सतह पर तैयारी का जायजा लेने के लिए अहकाम भी जारी कर दिए। अस्पतालों के आउटडोर इमरजेंसी का रश कोरोना वायरस फैलने का बाइस बन सकता है। यंग कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से सरकारी अस्पतालों में फ्लू फिल्टर क्लिनिक्स कायम करने का मुतालबा कर दिया। 12 करोड़ की आबादी के सूबे के लिए सिर्फ 1200 तशखीसी किट्स फराहम की गई। जनरल अस्पताल के 6000 मुलाजमीन के लिए सिर्फ 300 किट्स मौजूद। यंग डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस के खदशात के पेश नजर हुकूमत इकदाम गैर तसली बख्श करार दे दिए। कोरोना किट्स की फराहमी के लिए 24 घंटों की डेडलाइन दे दी, जबकि यंग डॉक्टर्स ने गवर्नर पंजाब के मुतालबात तस्लीम करने की यकीन दहानी पर एहतजाज मुअक्कत कर दिया। कोरोना से बचाव के लिए वजीर आला हिफाजती तदाबीर पर कार बंद, दफ्तर में दाखिल होने से पहले थर्मोगन से टेम्परेचर चेक करवाया और हैंड सैनिटाइजर भी इस्तेमाल किया। ऐवान वजीर आला आने वाले वजीर खजाना समेत दीगर अफसरान का भी टेम्परेचर चेक किया गया। उधर कोरोना से बचाव के लिए गवर्नर हाउस में भी हिफाजती इंतजाम, गवर्नर पंजाब की कोरोना स्क्रीनिंग हुई, गवर्नर के तमाम स्टाफ और सिक्योरिटी अहलकारों की भी स्क्रीनिंग की गई। कोरोना वायरस के डर से वजीर आला उस्मान बुज़दार बंद कमरों की मीटिंग्स तक महदूद, लाहौरियों को शहबाज शरीफ दौर की याद सताने लगी। 2011 में डेंगू और वबा आई तो वबा से हजारों अफवाह मुतवक्के थी। मियां शहबाज शरीफ मुतहरक हुए, दिन में 3-3 बार मीटिंग्स की, अवामी नुमाइंदगान ब्यूरोक्रेसी को मुतहरक किया, डेंगू आगाही मुहिम चलाई, सेमिनार भी मुनक्द करवाए, जबकि पंजाब हुकूमत ताहाल मौलिक वार से बचाव के लिए कोई काबिल अमल हिकमत अमली तरतीब ना दे सकी। और सिविल एविएशन अथॉरिटी का एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशन दोबारा शुरू करवाने का फैसला, 21 मार्च को पाकिस्तान के हवाई अड्डों पर हवाई ऑपरेशन शुरू होगा। फ्लाइट ऑपरेशन का फैसला हवाई अड्डों पर इंतजाम की बेहतरी के बाद किया गया।